सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट देना चाहेंगे कनाडा के बारे में। वो सभी स्टूडेंट्स जो कनाडा जाकर अपनी स्टडीज़ को पूरा करना चाहते हैं, यह वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली हर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से आप अपडेट रहें। ब्रिटिश कोलंबिया की पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर सेलिना रॉबिन्सन ने यह अपडेट दिया है कि वहाँ पर जितने भी नए इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आगामी 2 साल तक के लिए बैन कर दिया गया है। वो किसी भी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन कोर्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह बैन सिर्फ नए इंस्टीट्यूशंस पे लागू किया गया है। हालांकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने बताया और कुछ वीडियोज़ लिंक शेयर किए जिसमें बताया गया था कि ब्रिटिश कोलंबिया की सभी कॉलेजेस को बैन कर दिया गया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। इसके अलावा सेलिना रॉबिन्सन ने यह भी अपडेट किया कि जो एक्सप्लोइटिव पॉलिसीज़ चल रही हैं उनसे बचाने के लिए इन स्टूडेंट्स को यह स्टेप लिया गया है। उनके अनुसार उनको रेफरेंस में उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक स्टूडेंट ने उन्हें अपडेट किया कि कनाडा आने के लिए उन्होंने अपनी हार्ड एंड मनी फ़ीस के तौर पे पे की, और जब वो कनाडा अपने इंस्टीट्यूशन पर विज़िट करने के लिए पहुँचे तो उस विज़िट में उन्हें इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये बताया गया कि आपकी आगे की सारी स्टडीज़ ऑनलाइन होंगी। स्टूडेंट को काफ़ी ठगा हुआ सा महसूस हुआ कि ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए उसने इतनी भारी भरकम फीस क्यों पे की है। इसके अलावा काफ़ी और चीज़ों का हवाला दिया गया, जैसे कि किसी वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें सेम प्रोविंस या सेम स्टेट के ही स्टूडेंट्स हैं और जिनको स्टडीज़ कराई जाती हैं, और ये स्टूडेंट्स कैनेडियन कल्चर के साथ या बाकी कंट्रीज़ के कल्चर के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके क्लासरूम में सभी स्टूडेंट एक ही प्रोविंस या एक ही स्टेट के हैं। वो सभी सेम कल्चर को फॉलो करते हैं, तो कल्चरल एक्सचेंज का इन स्टूडेंट्स के पास में एक्सपोजर नहीं होता है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स को यह भी डराया जाता है कि यदि वो डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करते हैं तो उनके रिजल्ट्स इनके साथ बुरे होंगे। यदि कुछ डेटा की हम बात करें तो सेलिना रॉबिन्सन ने यह बताया कि अप्रॉक्स 1,70,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ब्रिटिश कोलंबिया के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में इनरोल्ड हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 54% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिर्फ प्राइवेट ट्यूशंस में ही इनरोल्ड हैं। इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की यदि हम बात करें तो अप्रॉक्स 280 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें से 80% प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लोअर मेनलैंड में एस्टैब्लिश्ड हैं। इन सभी इश्यूज़ को देखते हुए 2 साल तक के लिए बैन किया गया है, ताकि सुचारू रूप से वो अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर सकें। पिछले साल मार्च 2023 में डिपार्टमेंट की तरफ से एक ड्राइव की गई थी इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और इस जांच में पाया गया कि वहाँ पर फैकल्टीज़ नहीं हैं, स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट के पास उन्होंने कोई भी संसाधन नहीं अवेलेबल करा रखे हैं, और ऐसे में स्टूडेंट्स के साथ में बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है। उन्हीं से बचाने के लिए इस तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और ज़रूरत पड़ने पे आगे इससे भी कठोर कदम लिए जाएंगे। इस वीडियो के अलावा यदि आपके किसी तरह के कोई डाउट्स हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। हमें हर मैसेज का रिप्लाई करने में और कॉमेंट का रिप्लाई करने में बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।